फ्रेंड्स, हम विजिट कर लिया हमने बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और कहना पड़ेगा यहाँ की साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा होती है कि मज़ा आ जाता है। और यहीं पे पास में लंगर है, आप लंगर भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है अंदर से। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और ये मेरा डेली ट्रिप का वीडियो नंबर 7 है। पहले मैंने 6 वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए उनको। आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे अच्छे अच्छे विजिटिंग प्लेस मैंने दिखाए हैं उसमें। और आज का वीडियो है बंगला साहिब। बंगला साहिब दिल्ली में फेमस गुरुद्वारा है। वैसे तो गुरुद्वारे हमेशा ही मुझे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ का कल्चर और सबसे ज़रूरी चीज़ पीस, शांति जो आपको मिलती है वहाँ जब आप जाते हैं। वहाँ की गुरुवाणी जब चलती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और इसीलिए दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब विजिट करने का प्लान बनाया। आप जानते हैं गुरुद्वारे में बिना एंट्री इस तरह का हमको सिर पे साफा बांधना पड़ता है। ये भगवान की सिद्धत के लिए है। और फिर आपको अच्छे से पैर वगैरह धो के इस तरह से जाना पड़ता है, क्योंकि साफ़ सफाई, स्वच्छता प्राइमरी है और सबको फॉलो भी करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है और सुख शांति मिलती है। और चलिए अंदर जाके देखते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम जब जाएंगे बाहर से आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। काबू, अंदर अलाउ नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? फ्रेंड्स, गुरु साहब के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिल रही है। और उसके बाद प्रसादी ग्रहण करने के लिए हम लंगर गृह में आए हैं, जो गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे हम प्रसादी ग्रहण करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे साइंस सिटी म्यूजियम। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी सुबह का मौसम है और मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। ये शायद मेरा सबसे छोटा वीडियो होगा, लेकिन गुरुद्वारे में क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी और यहाँ हम केवल दर्शन करने के लिए गए थे। तो टिल देन, बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।